आज हमारी कैफियत क्या है? 6 पुश्ती मुसलमान, 7 पुश्ती मुसलमान, मुसलमानों के घर में आंख खोली, मुसलमानों के घर में पैदा हुए, सारा कुछ जानने के बावजूद करी साहब बस क्या करें, करी साहब बस क्या करें, मुआशरा भी तो देखना है ना, रस्म और रवाज भी तो है ना, लड़की वाले नहीं मान रहे, लड़के वाले नहीं मान रहे, रिश्तेदार नहीं मान रहे, दोस्त यार नहीं मान रहे, मोहल्ले वाले नहीं मान रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लोगों सुन लो, तरक्तुकुम अला मिल्लतिन बैदा, मैं तुम्हें एक ऐसे दीन पर छोड़ के जा रहा हूं, रोजे रोशन की तरह आया है, लैलुहा का नहारिहा, उसकी तो रातें भी इतनी उजाले वाली हैं जैसे दिन हुआ करते हैं, ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक, जिसने मेरे उस दीन से मुंह मोड़ा वो तबाहो बर्बाद होकर रह जाएगा, तबाहो बर्बाद हो जाएगा। आज मुसलमान सिर्फ एक रस्म का जायजा ले, शादी के मौके पर हमारे यहां कितनी रस्म और रवाज, क्या क्या नहीं होता शादी के मौके। शादी ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत थी, अल्लाह की तरफ से एक इनाम था, इसी शादी की वजह से इंसान को अपने रिश्तों की पहचान है, वालिदा की पहचान शादी की वजह से, बेटी की पहचान शादी की वजह से, बहन की पहचान शादी की वजह से। अगर ये शादी ना हो और ये रिश्ते ना बने तो फिर जानवरों की तरह ना मां का पता, ना बहन का पता, ना बेटी का पता, ना किसी और का पता। ये अल्लाह का इनाम था कि अल्लाह ने हमें शादी जैसी नेमत से नवाजा है, और ये दीन का एक बहुत बड़ा रुकन था। निसफ ईमान इसको कहा गया, निसफ ईमान, निसफ ईमान है दीन, निसफ ईमान आधा ईमान। लेकिन शैतान का दाव लग गया, शैतान ने अपना दाव चला लिया, इस निसफ ईमान में ईमान का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। सबसे पहले शादी के लिए रिश्ते की तलाश, कारी साहब के पास आएंगे, मौली साहब के पास आएंगे, दीनदार आदमी के पास आएंगे और आकर कहेंगे अपने जैसा कोई रिश्ता तलाश कर दो, बेटी जवान हो चुकी है या बेटा जवान हो चुका है, कोई अच्छे लोगों की तलाश। अच्छे लोग अब हमारी नजर में क्या है? कारोबार अपना हो, गाड़ी अपनी हो, घर अपना हो, पैसा उसके पास मौजूद हो, चाहे दीन की एक बात भी मौजूद ना हो, बस वो अच्छे हैं। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। आप अपनी मस्जिद के नमाजी, पहली सब के नमाजी का रिश्ता बताकर तो देखें, कहेगा कारी साहब सारी बातें ठीक है, क्या उसका घर अपना है? कारी साहब क्या उसके पास पैसा है? कारी साहब क्या उसके पास गाड़ी है? कारी साहब क्या उनका मकान अपना है? कारी साहब वो क्या करता है? ये तो सवाल करेगा, कभी नहीं पूछेगा कारी साहब उसके घर के अंदर पर्दे का माहौल है या नहीं है, कारी साहब उसके घर के अंदर दीन का माहौल है या नहीं है, 5 वक्त का नमाजी है या नहीं है, उसकी कमाई हलाल की है या हराम की, नहीं, बस बस बस। और अगर वो दीनदार का बता दे, कहते नहीं सॉरी हमारा इनसे गुजारा नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम चोर शराबी डाकू जानी अल्लाह इनसे महफूज रखे। लेकिन मैं हकीकत बात कहता हूं, एक तरफ चोर हो, एक तरफ जानी हो, एक तरफ डाकू हो, एक तरफ शराबी हो और एक तरफ बेनमाज हो, अल्लाह की कसम बेनमाज उनसे भी ज्यादा बुरा है। और आज हम क्या देखते हैं अपने बच्चों के रिश्ते के लिए क्या देखते हैं? हां कहते हैं चोर नहीं, शराबी नहीं, डाकू नहीं, जालिम नहीं, लुटेरे नहीं, हां देखना चाहिए, लेकिन अल्लाह की कसम इससे बड़ा गुना बेनमाज होना है। ये भी कहा करो बेनमाज नहीं, बेनमाज नहीं।